हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ बनाना पैनकेक की रेसिपी। बनाना पैनकेक को आप 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग में स्नैक के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बनाना पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए बनाना एक अच्छी तरह से पका हुआ, आटा एक कप, नमक एक चुटकी, बेकिंग सोडा एक चौथाई चम्मच, एग एक, वनीला एसेंस एक चौथाई चम्मच, तेल दो बड़े चम्मच, दूध एक चौथाई कप। इसे बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप एडजस्ट कर लें और तेल बनाना पैनकेक को फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम बनाना को मैश कर लेते हैं। इसे छोटे टुकड़ों में काट कर एक फोर्क से हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और इसका एक पेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम एक बोल में आटा लेते हैं। आटे में हम एक चुटकी नमक और एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डालते हैं और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब एक बोल में हम एक अंडा क्रैक कर लेते हैं। अंडे को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे एक फोर्क से या एग बीटर से। अब हम इसमें मिलाते हैं तेल। यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है, आप रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें डाल दें वनीला एसेंस और लगभग दो बड़े चम्मच दूध। अब इन इंग्रेडिएंट्स को हम आटे के मिक्सचर में मिला देते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं मैश किया हुआ बनाना। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते हैं और इसका हम ठीक कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेते हैं। बैटर बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बैटर सिर्फ इतना थिक हो कि उसे हम आराम से पैन पर गिरा सकें और उसे फैला सकें। फ्राइंग पैन या तवे को गर्म कर लेते हैं और उस पर हम थोड़ा सा तेल छिड़क कर इस तरह से बनाना पैनकेक के बैटर को फैला लेते हैं और इसे लो मीडियम फ्लेम्स पर हम सिकने देते हैं। जब पैनकेक के ऊपर की सरफेस पर बबल्स दिखने लगते हैं, इस तरह से होल्स बनने लगते हैं, तो हम इसे पलट लेते हैं और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन सूख चुका है। इसे हम दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सेक लेते हैं और इसे हम हनी से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। अब ये बनाना पैनकेक बिल्कुल तैयार है, इसे हम हनी से इस तरह से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तो ये थी बनाना पैनकेक की रेसिपी एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लीव अ थम्स अप। Share this recipe and subscribe this channel for more such videos. Thanks a lot.